अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा यार, मैं काफ़ी देर से नोट कर रहा था कि मैं ये महरान जहाँ भी खड़ी करता था तो नीचे मोबाइल आयल के कुछ थोड़ी सी मकदार मुझे नज़र आती थी। अच्छा, मैं उस चीज़ को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस हुआ। दो तीन दिन हो गए, मुझसे टाइम नहीं बन रहा था। आज मैं एमए निकला, जब मैं अदालत से निकला तो मैं इधर वर्कशॉप आ गया। मैंने आगे टीचर कह रहा हूँ, सॉरी, मैंने अपनी मैकेनिक को चेक करवाई। उसने नीचे से घुस के देखा, उसने कहा यार इसका कोई चैम्बर कहीं से हिट हुआ है किसी चीज़ के साथ। छोटी गाड़ी है वैसे, इतना ज़्यादा नहीं है। मेरी इस तरह की आदत नहीं है कि यार मैं इस तरह की रैश ड्राइविंग करूँ या कुछ भी तेज़ चलाऊँ, लेकिन वो कह रहे हैं भाई नीचे से हिट हुआ है कि जिसकी वजह से मोबाइल आयल ज़रा लीक हो रहा है और फ्रंट से भी लीक हो रहा है। यकदम उसने मुझे डरा दिया, कहते यार कभी भी किसी भी वक्त इसका सारा मोबाइल आयल निकल सकता है, और मोबाइल आयल निकल जाए तो फिर आपको पता ही है अगला जो फासला है वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो अब वो लड़का खोल रहा है, उसे चेक करते हैं, पता नहीं इसका क्या बनता है क्या नहीं बनता। मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये नीचे से जहाँ से चैम्बर होता है वहाँ से तो हो रहा है लीक, लेकिन साथ ही उस्ताद कह रहे हैं कि इसका बम्पर अभी खोल रहे हैं, भाई सामने से भी इसकी कोई लीकेज वगैरह हो रही है। ये ज़रा बम्पर खुल जाए तो मैं आपको नीचे से भी दिखाता हूँ कि क्या मसला है, किस वजह से। मैंने मोबाइल आयल आज सुबह चेक किया, जब मैंने दो तीन दिन से मैं देख रहा था कि इस तरह का मसला चल रहा है, मैंने आज सुबह चेक किया तो मोबाइल आयल की मकदार भी ज़रा कम हो चुकी थी। जी तो ये खुल गया है जी, और फौरन ही लड़के ने चेक किया, फिल्टर लीक है इसका। और ये फौरन मुझे उस्ताद जी ने डरा दिया कि शुक्र करो आप बड़े नुकसान से बच गए, क्योंकि फिल्टर जो होता है ये कितनी देर है वो कह रहे हैं जी एक मिनट के अंदर ही सारा मोबाइल निकाल देते हैं, बच गए। अब ये बच्चा बड़ा खुश हो रहा है, शायद इसका मूड था कि कोई लंबा खर्चा बनता, लेकिन ये देखें फिल्टर इसका लीक है, यानी बचत हो गई। और खुद टाइम से मैंने आके चेक भी करवा दिया। अच्छा, मैं बार बार अक्सर कई वीडियोस के अंदर मैंने ये बताया, मैंने ये कहा कि अगर आपको इस तरह का फील हो कि जहाँ आपने गाड़ी खड़ी की है वहाँ आपको मोबाइल आयल के या किसी भी इस तरह के कोई ज़रा बेशक मामूली सी नज़र आए, मुझे भी बहुत मामूली सी नज़र आती थी जहाँ भी खड़ी करता था, लेकिन कॉन्शियस हो जाना चाहिए और आपको लाजमी चेक करवाना चाहिए। देखें मेरा भी ये हो गया, करो सही बार फिल्टर चेंज करो। ये तारे को बाबा घेन लो चाओ। एला डोगर है, पैसे ले जा। चलें जी, ये शुक्र है कि बचत हो गई, टाइम से मैं पहुंच आया। मोबाइल आयल भी चेक करो चाहे जरा इंदा जी। हाँ, मोबाइल आयल चेक करूँ चाहे खुदा ना खास्ता, यानी वो चैम्बर का ज़्यादा इशू क्या नहीं, मेन ही है। ये चार पाँच लियाँ तू थी खरा मैं जनरल की गिद्दी है ना, वो बंदे ने चेंज करवाया हुआ मोबाइल आयल, मैं वाली नहीं चेंज करवाया, लेकिन जी बचत हो गई है, बहुत ज़्यादा बचत हो गई है। वो आ रहा है जी फिल्टर, इसका चेंज करते हैं और मोबाइल आयल जो कम हुआ खड़ा है वो भी इसका मुकम्मल करते हैं।
हाँ तो गर्म हो सी चलें जी, ये फिल्टर तो लगा दिया जी, इसका जो मोबाइल ऑयल कम हो चुका है वो भी मुकम्मल करते हैं, क्योंकि मोबाइल ऑयल अभी न्यू था, 400-500 किलोमीटर जा चला हुआ। तो इस तरह यार, अगर आपके साथ हो कि आपको महसूस हो कि गाड़ी आप जहाँ खड़ी करते हैं वहाँ मोबाइल ऑयल के या किसी भी तरह के इस तरह के पार्टिकल्स आपको नज़र आते हैं, तो उस चीज़ को लाजमी सीरियस लेना है आपने। खुदा ना खास्ता अगर ये ज़्यादा लीक हो जाता तो इंजन सीज की तरफ जा सकता था, और पता भी नहीं लगता कि कब ये सारा मोबाइल ऑयल सारा लीक हुआ और इंजन बिल्कुल सीज हो गया। तो शुक्र है मैं तो नुकसान से बच गया। इतनी वीडियो थी आज की, वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।